हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तारीख तय हो गई है, 25 तारीख को मतदान होना है और कुरुक्षेत्र में अब की बार कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, आइए जानते हैं पुंडरी हल्के के गांव साकरा के लोग अब की बार किसे संसद भेजेंगे। भाई ब्यों तो दिखने लग रहा है आम आदमी पार्टी का जमा बुलंद हो रहा है, झंडा बुलंद हो रहा है और गगन छू रहा पूरा। आप सवेरे उठो ना रोज, झाड़ू सबसे पहला काम झाड़ू मारते हो घर में, झाड़ू तो सारी सफाई कर देंगे, कमल के फूल तो थोड़ी सफाई होगी, हाथ ना न्यू मार लो कुछ भी कर लो नहीं होती ना, झाड़ू तो वरना सफाई कर झाड़ू रात दोनों काम करेंगे और लगेगा कुरुक्षेत्र में बदलाव होगा, कुरुक्षेत्र में इतिहास रचा जाएगा। महाभारत का युद्ध हुआ था, धर्म अधर्म की लड़ाई हुई थी, धर्म अधर्म की लड़ाई है कुरुक्षेत्र के अंदर की बात। अच्छा जी, आपने देखा होगा मोदी के काम कर रहे हैं, पता है आपने, मतलब ऐसा लगा कई बार तो जना बंदर के हाथ में उसरा पकड़ा रखा। अच्छा जी, कभी अपना मुंह खुर्चा है और कभी श्याम आले की गर्दन काटा है, कभी केजरीवाल के खिलाफ पर्चा दर्ज कराया, कभी जेड़ में कर दे, कभी मनीष सिसोदिया अनादर कर दे, सारी पार्टी के पीछे पड़ रहे हो, कितने जोर ला लियो। वो नायब सैनी मुख्यमंत्री नुगोदा नुआ कहा अगर कोई पीसे ईडी पूछ रहे तो बता दो, नहीं तो उनको कौन के कहूंगा। नायब सैनी खुद आया, कभी पूछ के देखियो लोगों ने, कभी आया नायब सैनी तो हमारे गुप्ता जी कह रहे हैं गायब सैनी है वो, पिछले कोरोना में लोग इतने परेशानी में थी, कभी दिखे अपने ड्राइंग रूम में लूडो खेले करता ये नायब सैनी, और ये 10 के 10 जितने अपने लोकसभा के एमपी थे सारे मजाक उड़ाए करते अपना, जब किसान बॉर्डर पर बैठे हुए थे ना एक साल तक वहां पे बॉर्डर पर बैठे दिल्ली, और ये उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी बोल बोल के ड्राइंग रूम में हमारा मजाक उड़ाए करते। और जब आपने देखा होगा अजीब हरियाणा की बेटियां जब जंतर मंत्र पे अपनी लड़ाई लड़ रही थी और ये लोग बोल रहे को भी 10 के 10 मंत्री कभी नहीं बोल रहे वहां पे लोकसभा में।